प्यारे बच्चों, क्या आपको मालूम है सावित्री बाई फुले के स्कूल में सालाना इम्तिहान हुआ तो तजस्सुस के तहत इसे देखने के लिए कई लोग जमा हुए। पहले नंबर से कामयाब होने वाली लड़की को जब इनाम दिया जाने लगा तो उसने कहा, मुझे इनाम नहीं चाहिए, मुझे स्कूल के लिए लाइब्रेरी चाहिए। वो लड़की अपने घर पर रात में देर तक पढ़ती रहती थी। ज्योतिराव और सावित्रीबाई ने तलबा व तालिबात को ज़िराअत और तकनीकी तालीम देने का इंतज़ाम किया था। प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय गीत जनगणमन रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। उन्होंने बंगाल में वाके बोलपुर में एक स्कूल शुरू किया था। हरे भरे दरख्त, रंग बिरंगे फूल, चहचहाते हुए परिंदे, नीला आसमान, ऐसे माहौल में ये स्कूल हुआ करता था। इस स्कूल का नाम शांति निकेतन था। बच्चों को वो स्कूल बहुत पसंद था। वहाँ का पुरसुकून माहौल, ना शोर शराबा, ना कोई हंगामा, न मोटरों की आवाज़ें, न तांगों की खड़खड़ाहट। दरख्तों के साये में ये स्कूल हुआ करता था। इस स्कूल में नाच गाना सिखाया जाता, दस्तकारी और पेशावराना कारीगरी की भी तालीम दी जाती थी। तलबा अपने तौर पर ड्रामे तैयार करते, गीत गाते, नाचते और इसी के साथ नए नए मजामिन भी सीखते। इस स्कूल में दीगर मुल्कों से भी बच्चे तालीम हासिल करने आते थे। टाइगर को सन ईस्वी 1913 में नोबेल इनाम मिला। इस इनाम की रकम उन्होंने अपने स्कूल को दे दी। तालीम से मुताल्लिक महात्मा गांधी के ख्यालात भी बहुत अहम है। इन्होंने मेहनत और ज़ाती तजुर्बात के ज़रिया इल्म हासिल करने पर ज़ोर दिया था। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम थे। उन्होंने यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन और सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन का तकरीर किया। यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन के क़याम में भी इनका बहुत अहम रोल था। निसाब में साइंस और तकनीकी उलूम को शामिल करने के वो ज़बरदस्त हामी थे। हर साल इनके यौम पैदाइश यानी 11 नवंबर के मौके पर सारे मुल्क में कौमी यौम तालीम मनाया जाता है।